नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर, ये खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई है। आज यानी 18 दिसंबर को निर्भया जी के एक दोषी अक्षय की दया याचिका को खारिज कर दिया है। उसने फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका मांगी थी। आज इस केस की सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि दोषी का गुनाह माफी लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच बिल्कुल सही हुए हैं और इसमें कोई खामी नहीं है, और जहां तक मृत्यु दंड का सवाल है उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा पूरा मौका दिया है। जज ने कहा है कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है। इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं फैसले के बाद दोषी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दोषी राष्ट्रपति के पास अब दया की अपील करना चाहता है, इसके लिए उसे 3 हफ्ते का समय दिया जाए। और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध जताते हुए कहा है कि नियम के मुताबिक दोषी को राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए, ना कि 3 हफ्ते का। तुषार आगे कहते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें मानवता रोती है, ये मामला उनमें से एक है। मेहता ने कहा कि दोषी किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है और भगवान भी ऐसे दरिंदे को बनाकर शर्मसार हो रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो होना तय है उससे बचने के लिए निर्भया के दोषी कई प्रयास कर रहे हैं और अब कानून को जल्द से जल्द अपना काम करना चाहिए। वहीं दोषी का वकील दोषी के पक्ष में दलील देते हुए कहता है कि मृत्यु दंड सजा देने की प्राचीन परंपरा है, फांसी से जुर्म खत्म होता है, अपराधी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फांसी की सजा सुनाने से लगता नहीं कि अपराधी गुनाह करना छोड़ेंगे। खैर, इन दलीलों को साइड में रखते हुए इसकी दया याचिका को अब खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आज ही इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया जी के 4 दोषियों की सुनवाई होनी थी, लेकिन पटियाला कोर्ट ने सुनवाई को अब टाल दिया है और अब सुनवाई 7 जनवरी को होगी। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई को आज टाल दिया गया है और अब सुनवाई 7 जनवरी को होगी। ऐसे में दोषियों को 20 दिन की मोहलत मिल गई है। दोस्तों, सुनवाई इसलिए टाली गई क्योंकि कोर्ट दोषियों को थोड़ी और मोहलत देना चाहता है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मैं आप लोगों को पूरा वक्त दे रहा हूं, इसलिए 7 जनवरी तक समय दिया जा रहा है। दोषी जो भी कानूनी या दया याचिका जैसे विकल्प फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगी। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी अधिकार हैं लेकिन हमारा क्या। और सुनवाई के साथ साथ डेथ वारंट भी अब जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास से खारिज नहीं हो जाती तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, डेथ वारंट जारी होने के बाद ही फांसी दी जाती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाम की किताब में 1973 के तहत 56 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म नंबर 42 को डेथ वारंट कहा जाता है। इसके ऊपर वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ लिखा होता है। वहीं इसे ब्लैक वारंट भी कहते हैं। इसके जारी होने के बाद ही किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया जी के माता पिता ने भावुक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उनका अब तक का समय यानी 7 साल यानी 2012 से उनका सफ़र बहुत दर्द भरा रहा है और एक एक पल उनके लिए भारी रहा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से याचिका पर फैसला टालने के बाद निर्भया के पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने से पहले निर्भया की मां ने कहा था कि उन्होंने 7 वर्षों तक सब्र रखा है, अब फैसले की घड़ी नज़दीक है। आपको बता दें, इस केस को 7 साल हो गए हैं और अब पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारी बेटी को पूरा न्याय मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।